सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सातवां वेतन आयोग, नरेंद्र मोदी की हुई वापसी तो केंद्रीय कर्मचारियों का हो सकता है बड़ा फायदा और बढ़ सकता है यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर है यहाँ पर लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। क्या है ये पूरी खबरें जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखें। जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों साथ में शेयर करें जिससे वो भी इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में जान सकें। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या है ये पूरी खबर यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जनसत्ता में ये खबर छपी है और जो कि आज 21 मई 2019 की ही खबर है, जो कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अच्छी खबर आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से उनके कार्यकाल के दौरान न्यूनतम वेतन समेत कई मांगों को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, पर उनके हाथ निराशा ही लगी। कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के परिणामों से पहले सरकार की तरफ से उन्हें बड़ी खुशखबरी दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच आम चुनाव के बाद चुनावी एग्जिट पोल्स आए हैं जिनमें अधिकतर मोदी सरकार की सत्ता वापसी के संकेत दिए गए हैं। ऐसे में एक बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसके क्या मायने हैं और उन्हें क्या मिलेगा? क्या न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किए जाने की कर्मचारियों की मांग पूरी की जाएगी? तो सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार संसद में पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि मौजूदा वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वहीं बीजेपी पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। इससे पहले 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय आयोग से जुड़ा पे पैनल लागू करने की सिफारिश हुई, पर सरकार तब भी विफल रही थी। एक साल बाद फिर यानी कि 2004 में कुछ ऐसे ही प्रयास किए गए, मगर तब भी यह लागू न हो सका। मांगें पूरी न होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी और बढ़ गई थी, यहाँ तक कि कई बार मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करने और विरोध प्रदर्शन के बाद भी हालात जस के तस रहे। हालांकि सरकार कई मौक़ों पर एक्रोइड फॉर्मूले की बात करती दिखी। बताया जाता है कि अगर यह लागू किया कर दिया जाता तब केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। जस्टिस ए के माथुर ने यह साफ किया था कि सरकार प्राइस इंडेक्स में उपलब्ध डाटा के आधार पर कर्मचारियों की तनख्वाह की समीक्षा करे। आयोग ने इसके अलावा सिफारिश की थी कि 10 साल के लंबे इंतजार पर समीक्षा करने के बजाय पे मैट्रिक्स की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा भी एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर करने की बात यहाँ पर जस्टिस ए के माथुर ने कही थी। दोस्तों, साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया कि सिफारिश के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी और अन्य संशोधन की प्रक्रिया भी हर साल होगी। हालांकि सरकार का फैसला किधर और क्या होगा यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर सरकार ऐसा करेगी तब सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले समय में अच्छी खबर जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खबर यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी। अब ये खबर क्या रहेगी, क्या सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।